प्यार छोड़कर जा चुका है तुम्हें बहुत दूर केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी। अब वो नहीं आना चाहता तुम्हारे पास, ना अब उसके पास तुम्हारा कोई फोन नंबर है, उसने ब्लॉक भी कर रखा है तुम्हें, तुमसे बात करने की दिलचस्पी नहीं रही अब उसमें। किसी ने उसके कान इतने भरे हैं तुम्हारे प्रति कि अब तुमसे वो नफरत करने लगा है, और तुम्हारे मन में बस एक बार मैं मिल लेती उससे, मैं फिर से उसे अपना बना लेती, मैं फिर से उसे संभाल लेती और हम फिर से एक हो जाते। परंतु कैसे हो जाते, उसे मेरी एक बार याद तो आए, वो एक बार मेरे प्रेम के घेरे में तो आए, फिर मैं संभाल लूंगी। परंतु कैसे आए, कौन पहुंचाए उस तक यह सोचना, रास्ते भर तो शत्रुओं से भरा पड़ा है। तुम कुछ कहती हो और उसका कुछ और अर्थ वहां परोसा जाता है, तुम कुछ और कहना चाहती हो और कुछ और सोचा जा रहा है तुम्हारे बारे में, अर्थात जब तुम जिसे मित्र समझती हो वह शत्रुता निभाने लगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे रिश्ते को चारों तरफ से घेर ले, बांध ले, तुम्हें जीने ना दे तुम्हारे प्यार के साथ। जब प्यार तुमसे रूठ जाए, मुंह फेर ले, चला जाए सात समंदर पार, उसे याद भी ना आए तुम्हारी और वो तुम्हें याद करना भी ना चाहे, तब आज का बताया यह उपाय उसे स्मरण दिलाएगा तुम्हारी, उसे स्वप्न में भी तुम्हारी याद आएगी, वैसे भी आएगी, भागा चलाएगा तुम्हारे पास, उसके मन का द्वार खुलेगा तुम्हारे लिए। मैं क्या कहूँ कि क्या दिव्य है ये, चमत्कारिक है ये प्रयोग, जिसने भी किया है 100% सफलता मिली है उसे। तुम प्रेम करती हो जिससे, सम्मान करती हो जिसका, उससे तुम प्रेम और सम्मान पाना भी चाहती हो, परंतु क्या करें कि ये संभव नहीं हो पा रहा, मुमकिन नहीं हो पा रहा, रास्ते के कुछ शत्रुओं की वजह से। शत्रु कोई बाहर का नहीं है, खुद आपके घर का है। कभी सास चाहती है कि ना बसे आपका घर आपके पति के साथ, तो कभी आपके मायके में ही कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि तुम बसो अपने ससुराल में। ये सब बातें जब तक तुम्हें समझ में आती है तब तक रिश्ता हाथ से निकल जाता। आज बात कर रही हूँ रूठे हुए प्यार पर। यदि प्यार तुमसे मुंह फुला ले, रूठ जाए, चिढ़ जाए, तुम्हारे साथ ना रहने को तैयार हो, या किसी ने तो तुम्हें मायके पहुंचा दिया हो, 4 महीने 6 महीने 4 साल हो गए, कोई खबर नहीं ली तुम्हारी, ना तुमसे बात करता है, ना तुम्हें खर्चा देता है, ना तुम्हें प्रेम देता है, ना सम्मान देता है, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है और कहाँ जाकर समाप्त होगा तुम नहीं जानती। सवरना छोड़ दिया तुमने सजना, हर हंसना छोड़ दिया तुमने, कितने से मुंह छुपाना प्रारंभ कर दिया है तुमने, किसी के विवाह में नहीं जाती हो तुम, कहीं वो प्रश्न ना कर ले तुम्हारा पति कहाँ है, तुम ससुराल क्यों नहीं जाती, सब कुछ ठीक तो है, इन सवालों से परेशान हो गई हो तुम। तब आज का यह दिव्य प्रयोग वापस लेकर आएगा तुम्हारे पति को तुम्हारे पास। ये तो पति और पत्नी का मामला है, कभी कभी प्रेमिकाएं भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरा प्रेमी लंबे समय से मुझसे प्रेम करता था, अभी विवाह की बात आई तो मुकर रहा है, पता नहीं क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है, जब सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों उसका मन डोल रहा है, अर्थात अब उसकी दिलचस्पी तुमसे धीरे धीरे हट रही है, तो चलो दिलचस्पी फिर से बढ़ा देते हैं। ये एक तुम्हारे द्वारा किया गया यह एक प्रयास उसे फिर से खींचकर तुम तक लेकर आएगा, उसके मन में तुम्हारे प्रेम का फिर से दिया जलाएगा, उसे अपने घेरे में लेना है। एक बार वो मेरे प्रेम के घेरे में आ गया, फिर मैं उसे समझा लूंगी, सवार लूंगी इस रिश्ते को। मैं एक बार उससे बात कर लूं तो ये टूटता रिश्ता भी बच सकता है, मुझे खुद पर इतना भरोसा है, परंतु एक बार बात तो हो, तो चलो ये एक बार बात मैं करवाती हूँ इस उपाय के माध्यम से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताए। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताए तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए वह प्रयास पहुंचे सीधे आप तक। एक छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर से, किसी भी सब्सक्राइबर से कोई भी धनराशि की डिमांड नहीं की जाती है,
तो यदि आपसे एक रुपया भी मांगा जा रहा है मेरी तस्वीर दिखाकर, मेरे चैनल का आइकन लगाकर या कोई व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है तो वो फ्रॉड है, उससे बचिए और ईश्वर उसका भी भला करे। एक सफेद कागज पर तुम्हारे द्वारा बनाया गया एक चित्र तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को सुधार कर रख देगा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे ही हाथों में वह शक्ति है, तुम्हें किसी के सामने जाकर अपनी झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा ना, आज का प्रयोग प्रयोग नहीं दिव्य प्रयोग है। 8 हरी इलायची ले लेना, एक लाल रंग की कलम ले लेना, एक सफेद कागज ले लेना और हल्दी कुमकुम ले लेना। चलो आज शुक्र पर काम करते हैं, चलो आज गुरु पर काम करते हैं, आज संवारते हैं अपने बुध को, आज थोड़ा कमजोर करते हैं मंगल को, थोड़ा गिराते हैं राहु को, शनि को दबाते हैं, अपने बिखरे टूटते उजड़ते रिश्ते को चलो एक प्रयास से फिर से सवारते हैं, सुधारते हैं। एक बड़ा सफेद पेज ले लेना, कागज ले लेना, व्हाइट हो, किसी कॉपी वॉपी से मत फाड़ लेना, खरीद कर लाना स्वच्छ कागज, बिल्कुल सफेद। बुधवार का दिन चुनना, ना हो तो शुक्रवार भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बुधवार या शुक्रवार कर लेना, बुधवार ले लो। बैठ जाना शांत मन से कहीं पर भी, अपने बेडरूम में, लिविंग हॉल में, छत पर, आंगन में, जहां बैठना है बिल्कुल शांत मन से बैठ जाना, कुछ चीजें अपने पास रखना। इस कागज पर बड़े बड़े 8 गोले बनाना, एक के नीचे एक गोले, एक के नीचे एक, कलम से 8 गोले बनाना, सर्कल इतना बड़ा हो उसमें कुछ लिखा जा सके, इस बात को याद रखना। 8 सर्कल बनाने के बाद प्रथम सर्कल में अपने पति का नाम देना, दूसरे सर्कल में अपना, फिर पति का, फिर अपना, फिर पति का, फिर अपना, फिर पति का, फिर अपना। 8 गोलों में 4 तुम हो, 4 तुम्हारे पति है, ऐसा तुम अनुमान करके बना देना। हल्दी कुमकुम घोल लेना थोड़े जल के माध्यम से, 8 पर तिलक दे देना। यह जो कल्प तुमने कागज लिए है, इसके चारों कोनों में ओम लिख देना, ऊपर प्रथम एक छोटा सा स्वास्तिक बना देना। पवित्र निशान है, सकारात्मक ऊर्जाओं को खींचती है, हमें इस कागज के माध्यम से किसी को खींचना है अपनी ओर, बस एक बार आ जाए वो हमारे इस घेरे में, फिर आगे तुम बातों को संभाल ही लोगी। इस कागज को मोड़ देना, शांत मन से थोड़ी देर वहीं बैठना। ये जो हल्दी कुमकुम का घोल तुमने इसमें लगाया है, अपने मस्तक पर भी लगा लेना, अपने कंठ पर भी लगा लेना, दोनों हाथ के गुरु पर्वत पर लगा लेना। आज ग्रहों को मजबूत कर रही हूँ, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, बुधवार का दिन है, भगवान गणपति को स्मरण करना, वही है जो संसार को जोड़ देते हैं, क्या तुम्हारा रिश्ता है। आज की रात तुम्हारे तकिए के नीचे यह चिट रहेगा, यह जो तुमने मोड़ा है, यह संपूर्ण रात्रि तुम्हारे तकिए के नीचे रहेगा, और तुम जब सर रखकर तकिए पर सोओगी तो केवल सकारात्मक चीजें याद करना। जब तुम अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, घूमने फिरने जाती थी, साथ में खाना खाती थी, मुस्कुराती थी, थिएटर जाती थी, जो अच्छे समय तुमने बिताए हैं उन समय को याद रखना। अगली सुबह उठना और इस चिट को स्नान करने के, स्वच्छ होने के बाद छूना, तकिए के नीचे से निकालना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा मोड़ना और अपने पर्स में रख लेना। मिनिमम 21 दिनों तक यह चिट तुम्हारे पर्स में रहेगा। मैं लिख कर देती हूँ तुम्हें, तुम क्या यकीन करोगे कि इन 21 दिनों के भीतर ही तुम्हारा काम बन जाएगा? किसी किसी के काम तो एक दिन में बन जाता है। उसके बाद इस चिट को केले के वृक्ष के जड़ के अंदर दबा देना, यानी जहाँ केला का वृक्ष हो, यदि तुम्हारे घर में हो, गमले में उत्तम ना हो, जहाँ पर भी केले का वृक्ष हो वहाँ थोड़ी सी मिट्टी खोदना और इस चिट को अंदर दबाकर बंद कर देना। हरिओम प्रणाम कर लेना। ऐसा आएगा तुम्हारे घेरे में तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी, कि फिर इस प्रेम जाल से वो निकल ही नहीं पाएगा। कहते हैं ना, तुम्हारा जादू तुमने बिखेर दिया उस पर, वही जादू तुम फिर से बिखेर पाओगी उस पर। अवश्य करें ये दिव्य अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।